नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे धनुका कंपनी की धनुलुक्स इंसेक्टिसाइड की विशेषताओं के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे धनुलुक्स के छिड़काव से हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, क्या टेक्निकल है, कौन सी फसलों पर या कौन से कीटों को नियंत्रित करता है, क्या इसका हमें डोज लेना चाहिए, क्या इसकी कीमत है। सारी विशेषताओं पर आपको एकदम डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो में आकर तक जरूर बने रहें और सारी जानकारी हासिल करें। तो किसान भाइयों, जो धनुका कंपनी की जो धनुलुक्स इंसेक्टिसाइड है, यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो कि किसान भाइयों रस चूसक कीटों के साथ साथ जो भी चबाने वाले कीट होते हैं उन पर काफी असरदार होती है। वहीं हम बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में, तो जो इसमें हमें टेक्निकल देखने को मिलता है वो है क्विनल फॉस, जो कि 25% ईसी फॉर्म में यानी कि इमल्सिफाइबल कंसेंट्रेशन फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि चबाने वाले कीटों के साथ साथ रस चूसक कीटों को काफी अच्छी तरीके से नियंत्रित करता है। किसान भाइयों वही हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो यह कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन यानी कि कॉन्टैक्ट और पेट क्रिया के अनुसार काम करता है। किसान भाइयों हम बात करते हैं धनुलुक्स कीटनाशक के छिड़काव से हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों पहला जो बेनिफिट है यानी कि यह चबाने वाले के साथ साथ जो रस चूसक कीट होते हैं उन पर काफी असरदार यह होता है। और इसके साथ साथ जो उसका दूसरा बेनिफिट है किसान भाइयों, यह इसमें हमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी देखने को मिलता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन किसान भाइयों यह होता है, यदि आप दवा का छिड़काव करते हैं तो दवा का छिड़काव यदि पत्ते की एक भाग पर होता है तो जिस भाग पर पत्ते का दवा जा नहीं पाती है उस पर भी इसका असर हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें काफी इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों इसके हम तीसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें हमें गुड रेसिडुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि यह लंबे समय तक हमें चबाने वाले कीटों के साथ साथ रस चूसक कीटों को यह नियंत्रित करता है। वही हम बात करते हैं कौन सी फसलों पर हमें यह कौन से कीटों को नियंत्रित करके देता है, तो कपास की बात करें तो बॉलवर्म को यह कपास में नियंत्रित करता है, पैडी की बात करें यानी कि धान की तो स्टेम बोरर लीफ फोल्डर के साथ साथ लीफ हॉपर्स को यह नियंत्रित करता है। वहीं बात करते हैं सोयाबीन की और बैंगन की, तो सोयाबीन में यह स्टेम बोरर के साथ साथ गर्डल बीटल और लीफ माइनर को नियंत्रित करता है। और वहीं बात करते हैं बैंगन की तो शूट एवं फ्रूट बोरर को यह काफी इफेक्टिव तरीके से यह नियंत्रित करता है। वहीं हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो कपास में इसका जो डोज लेना है हमें 600 से 800 ml प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करवाना है। वहीं हम पैडी की बात करें यानी कि धान की तो 500 ml प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करवाना है। वहीं सोयाबीन की बात करें और बैंगन की तो सोयाबीन में आप इसका 250 ml मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, और वहीं बैंगन की बात करें तो 500 ml मिलाकर आप प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करवा सकते हैं। किसान भाइयों वहीं हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो इसकी जो कीमत है 500 ml की जो इसकी कीमत है 350 से 400 रुपए के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।